ये रेस जिंदगी की रेस है, किसी की जिंदगी लेके ही खत्म होगी। एक फ्रेंचाइजी, बड़ी कास्ट और नवाब का शेरशाह से मुकाबला। सैफ अली खान का इस साल बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आने वाला है। इस पिक्चर का नाम है देवरा। ये जूनियर एनटीआर की कमबैक फिल्म है जो 27 सितंबर को सिनेमा घरों में दस्तक देने वाली है। कोटला सभा की इस फिल्म में सैफ अली खान विलन बन रहे हैं। पिक्चर में जूनियर एनटीआर और सैफ अली खान आमने सामने होंगे। उनके किरदार का नाम है भैरव। एक्टर के जन्मदिन के मौके पर एक टीजर जारी किया गया था जिसमें वो दुश्मनों को पटक पटक कर मार रहे। खैर, ये तो रही साउथ फिल्मों की बात, उनके खाते में इस वक्त कई और फिल्में हैं। लिस्ट में ज्वेल थीफ, भूत पुलिस का सीक्वल, गो गोवा गॉन टू, कर्तव्य, द ब्रिज शामिल है। हाल ही में सैफ अली खान की सबसे बड़ी एक्शन फिल्म के सीक्वल में एंट्री हो गई है। ये वही पिक्चर है जिसके तीसरे पार्ट से उनका पत्ता कट गया था। वहीं उनकी जगह सलमान खान को जगह मिल गई थी। सैफ अली खान जल्द रेस 4 में दिखने वाले हैं। इस बार फिल्म में सलमान खान नहीं होंगे। यह सैफ अली खान की वो एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसमें उन्हें काफी पसंद किया गया था। रेस का पहला पार्ट साल 2008 में आया था जिसे जनता का बहुत प्यार मिला। बिपाशा बासु, अनिल कपूर और कैटरीना कैफ समेत फिल्म में लंबी चौड़ी स्टार कास्ट थी। वहीं इसका दूसरा पार्ट साल 2013 में आया। इसमें कुछ एक्टर्स बदले गए पर सैफ अली खान थे, लेकिन तीसरे पार्ट से उन्हें हटा दिया गया। साल 2018 में आई पार्ट 3 में सलमान खान दिखाई दिए। हाल ही में चौथे पार्ट का ऐलान हो गया। पिंकवला के एक रिपोर्ट छपी जिसमें कहा गया कि सैफ अली खान की रेस 4 में एंट्री हो गई है। फिल्म 2025 के पहले हाफ में फ्लोर पर आ जाएगी। जल्दी फिल्म की स्क्रिप्ट लॉक कर दी जाएगी। हाल ही में आए रिपोर्ट से पता चला कि सिद्धार्थ मल्होत्रा की पिक्चर में एंट्री हो गई है। दरअसल एक्टर ने रेस 4 में काम करने में दिलचस्पी दिखाई है। वो पिछले कुछ समय से रमेश तुरानी के साथ इस पर चर्चा कर रहे हैं, जबकि रमेश तुरानी ने रेस 4 के बेसिक प्लॉट के लिए इन हाउस राइटर्स की टीम बनाई है। इसे बनाने और स्क्रीन पे लिखने के कुछ राइटर्स और डायरेक्टर्स को काफी ज्यादा काम भी मिला। राइटिंग वर्क के दौरान उन्होंने सैफ अली खान के साथ रेस 4 में अहम भूमिका निभाने के लिए सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ बातचीत शुरू कर दी है। रेस फ्रेंचाइजी में अक्सर दो स्ट्रॉन्ग लोगों के बीच क्लैश दिखाया जाता है। रेस में सैफ अली खान और अक्षय खन्ना हो, या रेस 2 में सैफ अली खान और जॉन अब्राहम, वही रेस 3 में सलमान खान और बॉबी डियोल का भी आमना सामना दिखाया गया। रिपोर्ट से पता चलता है कि इस फ्रेंचाइजी की दुनिया में एक बार फिर वैसा ही कुछ हो सकता है। इस पार्ट में सैफ अली खान और सिद्धार्थ मल्होत्रा आमने सामने होंगे। ये पूरी तरह से दो हीरो वाली फिल्म है जिसमें दोनों ही किरदार ग्रे शेड्स में है। सिद्धार्थ ने अभी तक ग्रे शेड कैरेक्टर नहीं किया, ये उनकी नेगेटिव रोल में पहली भूमिका होगी, तो सिद्धार्थ को बहुत संभल कर चलना होगा। कहते हैं ना, जहां रिस्क नहीं वो इश्क नहीं, और एक एक्टर की भूख कभी खत्म नहीं होनी चाहिए, तो ये भूख ही सिद्धार्थ को नेगेटिव रोल्स में कामयाब बनाएगी। वेल, आपको क्या लगता है, सिद्धार्थ नेगेटिव रोल कर पाएंगे या नहीं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एंड टिल देन कीप वॉचिंग बॉलीग्राफ स्टूडियो। बिकम एन एक्टर इन बॉलीवुड। व्हाट्सएप हाय टू 8828500888।